बार मिलते हैं, क्या विनर करते हैं एक दूसरे को चुना लेते हैं, ये क्या सिक्स है, ये माँ चुना लेती है बेटा, बेटा चुना लेती है माँ, ये सिक्स क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन और मैं हूँ रंजीत झा। सपा सांसद आजम खान ने पार्लियामेंट में बिहार के शिवहर की सांसद रमा देवी पर जो विवादित बयान दिया उस पर से सियासत तो बहुत तेज है ही, लेकिन महिलाओं का गुस्सा भी कम नहीं है। हर कोई आजम खान से इस्तीफा मांग रहा है, उन्हें निलंबित करने की बात कर रहा है, और इस बीच में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, और सपोर्ट में क्या खड़े हुए, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे एक बार फिर से माहौल गर्म हो गया है। आप अगर यह बयान सुनेंगे तो शायद आपको भी शर्म आ जाए। जीतन राम मांझी सपोर्ट करते करते यह कह रहे हैं कि कोई भाई बहन आजकल के डेट में एक दूसरे को गला मिलता है तो किस करता है, तो क्या इसे सेक्स कहेंगे। माँ या बेटा आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं, माँ बेटा को किस करता है, बेटा माँ को किस करता है, तो ऐसे में क्या इसे सेक्स कहेंगे। और इस तरह के बयान के बाद से फिर से एक बार यह चर्चा शुरू हो गई है कि जीतन राम मांझी किस तरह के विवादित बयान देने लगते हैं। उन्होंने आखिर में यह ज़रूर कहा कि आजम खान को इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए, लेकिन सब लोग यदि ऐसे कह रहे हैं तो उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए। आप ये वीडियो सुनिए एक बार फिर से और देखिए कि मांझी कह क्या रहे हैं। हम हमारी प्यारी बहन है, बहुत जानते हैं, सीने में चाहे जवानी जवान आदमी हम देखते हैं, भाई बहन मिलते हैं, क्या आलिंगन करते हैं, दूसरे को चुमा लेते हैं, क्या सिक्स ये मेरा कंधा माँ माँ चुमा लेती है बेटा, बेटा चुमा लेती है माँ को, ये सिक्स क्या। मेरा कंधा आजम खान इसी लहजे में बोले हैं, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन दूसरा हो रहा है, तो मैं लेकिन मस्त भी ग्रांत दे, इसलिए उनको कहते हैं इस्तीफा मत दीजिए लेकिन माफ़ी मांगे। थैंक यू कि साहब आपके 39 हम जीतते हैं। हमारा कहना है कि बिहार की गरीब जनता समझना पड़ेगा कि जाति धर्म के बांध में बंधन में बांध करके हम लोगों को आज ही लोग राज कर रहा है बाहर का आदमी आकर के, इसके लिए सजग हो, जात छुड़ाओ। कहा था रहता जी ने जात पात पूछे नहीं, कोई हरी के वजह से हरी के हरी, और वहाँ वर्ग का बंटवारा हुआ था, जात का बंटवारा नहीं हुआ था। जात का बंटवारा कर करके हम गरीबों को लोग सता रहा है और किसी तरह से पिछड़ा मरा करके हमसे वोट ले लेता है और राज कर रहा है, तो ये गरीब को समझना होगा। वहाँ करते हैं आप लोग जान रही है उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है और दक्षिणी बिहार में सुखाड़, वैसी परिस्थिति में इन लोगों को एडवांस प्लानिंग करना चाहिए, एग्रीम योजना बनानी चाहिए। और एग्रीम योजना क्या हो सकती है, जैसे कोई मृतक परिवार अभी पूछे उसको आप 3,000 रुपया दिया, पैसा दिया कहाँ से दिया, वो मुखिया के यहाँ पैसा रखेंगे और जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे पैसा मिलते जाता है, उसको रिवॉल्विंग फंड करते हैं। शौचालय नहीं बना है, कुछ लोग का कहना है कि शौचालय का पैसा निकल गया, कुछ लोगों का कहना है कि शौचालय का पैसा निकल गया, हमको शौचालय नहीं बना, और एक दूसरे का कहना है कि हम शौचालय बनाए हैं, कहा था कि पैसा मिलेगा वो पैसा नहीं मिलेगा, ये बात। और फिर वही स्कूल होना चाहिए हर हालत में, तो जब 80 परिवार है तो एक प्राथमिक स्कूल का इकाई सेंशन होना चाहिए। और दूसरी बात है कि महादलित के लोग हैं, लेकिन ये सामुदायिक भवन भी होना चाहिए और वहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध है, तो आप लोगों के माध्यम से भी अभी सबके मॉलेज में गाँव को, इसको तो हम मुख्यमंत्री से भी बोलेंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आपका नवादा ODF है और आपके वहाँ गांव में हम थानापुर में गए थे और हमने देखा कि कोई शौचालय नहीं बना है, अगर बना है तो अपना खर्च से एक गोल बनाया, और इंदिरा आवास में भी अपना खर्च से एक गोल बनाया है, बाकी सब इनकम्प्लीट है क्योंकि 15,000 रुपया उसको नहीं दिया गया, और नली गली नहीं है, हम लोगों का रहने के लिए जमीन का वास्तविक पर्चा मिल जाना चाहिए, खेती करना 1,000 रुपया। कोई सरपंच वहाँ के हैं, कहाँ नाम है जी, अशोक सिंह, हाँ अशोक सिंह नाम करके कोई सरपंच है, वो सभी लोगों से 15,000 रुपया लिया कि हम लाए हैं, इसलिए 15,000 रुपया दो, और यही कारण है कि अभी तक किसी का। जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए इस बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, अब इसके ऊपर क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी और फिर से क्या सियासत बहुत तेज हो जाएगी, क्या इसमें बयानबाजी का दौर फिर से शुरू होगा, और जीतन राम मांझी क्या अपनी बातों को स्पष्ट करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे थे,
फिलहाल बिहार और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए beforeprint.in के साथ। नमस्कार। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।